ಆದರೆ ಕಬ್ ಯೂಸ್ ಖಡೆ ಸೇಫಿ ಇದೆಯಾ ಗಾಡಿ ಬೊಲೋರೋ ಪೇ ರೋಡ್ ಪೇ ರೋಡ್ ಪೇ ಪಿಚ್ಚ ಕರೋಣ ಸಂಜು ಭಯ ಶಾಪ್ ಭೀ ಯಹೀ ಹೈ ಕಹೀಂ ನಹೀ ಆಯೇಂಗೆ ಹಲೋ ರಾಕೇಶ್ ಗಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬುಲವಾ ಕ್ಯಾ ಶಿವ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಸಾಮಾನ್ ಲೇಕೆ ಬುಲವಾ ಲೋ एक टीम और आ रही है गाड़ी अंदर लेना पड़ेगा काम हो जाएगा भाई एक तो मारना भक्त से मिटना चाहिए भीड़ चिल्ला रही है भागे यार भीड़ को हटवाना चाहिए और एक साथ बोल दिया दो बार भीड़ हटेगी सभी काम होगी ಸರ್ ಪಹಲೆ ಗಾಡಿ ಹಟಾ ಲೋ ನಾಲಿ ಮಛಲಿ ವಾಲಿ ಲಾಯ ಪಕಡನೆ कब लगा ये लगा ये लगा सही जय महाकाल राजा की नहीं रहे अभी आधे घंटे तक आएगा तू आएगा तो अपने को देख लेगा
जाली के नीचे से निकला और जो एक फॉरेस्ट जो हम लोग नेट लगा रहे थे उसके ऊपर अटैक किया रेंजर साहब के ऊपर, तो उनको घायल किया, वहाँ से घायल करते हुए दूसरे घर के अंदर घुस गया। क्योंकि इस तरह के जो ऑपरेशन में जो सबसे बड़ा खतरनाक पहलू रहता है वो भीड़ का रहता है। मॉब को कंट्रोल करना बहुत टफ टास्क होता है और भीड़ चूँकि रेसिडेंशियल एरिया था, कॉलोनी के अंदर इस तरह की घटना हुई थी और हर घर में इस समय लोग भी थे, तो बड़ा पैनिक माहौल हो गया था और कहीं जानवर भी जो एनिमल था हमारा तेतो भी काफ़ी घबराया हुआ था और इधर उधर भाग रहा था, जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ घुस रहा था। दूसरे घर के अंदर जब वो घुसा सीढ़ियों के ऊपर घबरा के बैठ गया था वो, तो वहाँ पर हम लोगों ने प्लान बी के तहत जब किया प्लान बी के तहत हम लोगों ने उसको डांट वहीं से दूर से डिस्टेंस से शॉट लेके एम लेके करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट हैं हमारे कॉर्पोरेशन में, हमारे हायर अथॉरिटी ने बड़े अच्छे अच्छे इक्विपमेंट हमको अवेलेबल कराए हैं और लंबी डिस्टेंस करीब 100 मीटर 200 मीटर तक की रेंज तक की हमारे पास गन है जो जर्मनी से हम लोगों ने इम्पोर्ट की है। उस गन से डांट की, लेकिन डांट एम सही था, लेजर गन थी वो, लेकिन बीच में जो सीढ़ियों पर बैठा हुआ था वहाँ पर जो रेलिंग लगी थी रेलिंग से टकरा कर हमारा पहला डार्ट बाउंस हो गया। दूसरा डार्ट जो फॉरेस्ट की गन से लगाया तो वो भी दीवार के ऊपर इसके जाके लग गया था, क्योंकि बहुत नैरो स्पेस था जहाँ से हम लोग उसको प्लान कर रहे थे। दो डार्ट हमारे जब व्यर्थ चले गए तो फिर तीसरा का हम लोगों ने प्लान बदल लिया, क्योंकि इसमें इस तरह की रिस्क नहीं ली जा सकती थी। फिर जिस घर में घुसा हुआ था उसी घर के अंदर हम लोग पीछे रिस्क लेते हुए मेन गेट से घुसे अंदर और प्लान ये किया कि दूसरी तरफ जहाँ बैठा हुआ था उसको कहीं से कहीं ऐसी एक ओपनिंग मिल जाए जहाँ से हम लोग गन को लेके उसको एम कर सके। कई जगह नहीं थी, वो बाहर निकले, फिर टेबल बाहर निकाली और बाहर टेबल निकाल के उसके ऊपर खड़ा होके, चूँकि रिस्क बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व थी लेकिन और कोई चारा था भी नहीं और यही रिस्क हमको लेना भी पड़ी। और पहला डॉट हम लोगों ने किया, सक्सेसफुल डॉट रहा, चूँकि डोज थोड़ा सा कम था इस कारण कम्प्लीटली सेडेट नहीं हुआ और इसी बीच हमारे जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उन्होंने अप्रोच कर दिया था जो कि शायद नहीं करना था और इसी कारण इरिटेट होकर उसने पहला अटैक किया उनके ऊपर भी। फिर वापस जी अभी मेरी नोटिस में 3 अटैक हुए थे, 3 फॉरेस्ट जो अफसर थे उनके ऊपर हुए ये, और इस तरह का घायल किया उनको, नाखून पंजे लगे, मुंह से भी दांत भी लगे हैं, तो वो माइनर इंजरी है, उससे सीरियस इंजरी कुछ नहीं थी उसमें। कितने बजे देखा गया और किस? देखिए जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो करीब 10:30-11 के आसपास आई मेरे पास कि इस तरह का तेंदुआ आया। पहले रूमर्स चल रही थी कि तेंदुआ आया, कोई बिल्ली बता रहा था, कोई तेंदुआ बता रहा था, तो मैं कहा जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल सूचना हमारे पास ना आएगी तब तक मूव करना ठीक नहीं होगा, हो सकता कोई और वाइल्ड एनिमल हो जिसको तेंदुआ बता रहे हैं। लेकिन बाद में जब मीडिया की तरफ से भी मैसेज आया तो फिर हमें लगा कि सब मामले कुछ गंभीर है। हमारे जो इस एरिया के जेडो साहब थे उन्होंने फ़ोन किया, फिर हमारे एडिशनल कमिश्नर रोहन सक्सेना साहब थे उन्होंने भी फ़ोन किया कि मामला कुछ गंभीर लग रहा है, जाके देखना होगा। फिर हमारी टीम को लेके मैं आया और पता चला कि वाकई तेंदुआ ही था और फिर हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ये देखिए 2 घंटे हम लोग इसलिए लग गए कि एक तो भीड़ बहुत थी कॉलोनी में और बड़ा जहाँ जहाँ बैठ रहा था जिस जगहों पर छुप रहा था वो बड़ी नेरे स्पेस थी जहाँ से हम लोगों को डांट करने में बड़ी तकलीफ आ रही थी। तो जैसे तैसे करके हम लोग प्लान बनाते जा रहे थे वो लगातार प्लान बदलते जा रहा था अपने, इस कारण बड़ी लुका छिपी में जो चूहा बिल्ली का खेल चल रहा था उसमें थोड़ा सा डिले हुआ और अंतोगता फाइनली हम लोगों ने फिर उसको जिस तरह से प्लान बी के था तो उसको डॉट किया सीढ़ियों के ऊपर, वो सक्सेसफुल रहा। सेकंड डॉट जो हम लोगों ने उसके करीब 20-25 मिनट बाद फिर दिया और कंप्लीट उसको सेडेट करके।
अच्छा भीड़ भरा इलाका है, एयरपोर्ट भी पास है, यहाँ तक कैसे ये देखिए ये जो ये बिल्कुल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि किस तरह से ये आया यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि ये ओपन एरिया शुरू हो जाता है, यहाँ से जंगल एरिया शुरू हो जाता है, ये देपालपुर वगैरह और ये बेटवा इस तरह का एरिया शुरू हो जाता है, हो सकता है रात में कहीं से लुका छुपी करते हुए, क्योंकि कुत्ते जो है हो सकता कुत्तों के पीछे भी आ सकते हैं, क्योंकि कुत्ता इनका प्रिय फूड होता है तेंदुए का, हो सकता कुत्तों के पीछा करता करता यहाँ पर आ गया और खाना वाना खा लिया उसने और आराम करने के बहाने उसी एरिया में बैठ गया हो। जब सुबह हो गई है, जब लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हुई, घबरा के फिर ये अपनी जगह बदलना शुरू हुआ और इस तरह से फिर इस तरह कॉलोनी में अंदर तक घुसाया हुआ। बताइए कितनी दहशत में थे आप लोग? अरे बहुत ज्यादा डर था, मम्मी हमारी सासू जी है वो तो रोने लगी, दीदी से बात की हमारे घर में शेर आ गया, बहुत ज्यादा डर था, अंदर ही अंदर कप रहे थे हम लोग, बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अब क्या होगा कैसे क्या होगा, पर नगर निगम वाले बहुत अच्छे है जिन्होंने पकड़ लिया और 2-2.5 घंटे तक हम लोग की बहुत बुरी हालत थी, दरवाजा पैक करके अंदर ही अंदर बैठे थे। मम्मी तो 11 बजे के लगभग हमारे घर में घुसा वो, ये हमारे घर के सामने ये जो घर बन रहा है इसमें बैठा हुआ था, फिर इसके पीछे वाले मकान में गया साइड में से और उधर से छलांग मार के डायरेक्ट हमारे घर में आ गए और ऊपर जाके इतनी देर बैठा रहा। आप लोग उस समय कहाँ मौजूद थे? आप लोगों ने करीबन 2-2.5 घंटे 3 घंटे के लगभग ऊपर बैठा रहा, हम लोग अंदर हॉल के भी अंदर वाले रूम में पैक थे, हम लोग ने पैक कर लिया था अपने आप को। करीबन 1.5-2 लाख लोग इकट्ठे हो गए होंगे, पूरी गलियां भरी हुई थी, सब छत पे से देख रहे थे, बहुत मेंबर थे देखने वाले, बहुत सदस्य थे। 5 लोग घायल भी हुए हैं, तो आप लोगों को कितना खतरा था? हमको लग रहा था ना अगर हमारा गेट खुला होता, दरवाजा खुला होता तो हम लोग का क्या होता, हमको पता नहीं, अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि क्या होता आज मालूम नहीं। हमने दरवाजे लगाया, अंदर गए और साइड में से हम भी वीडियो बना रहे थे, देख रहे थे उसको, और वो तो अचानक ही देखा कि सामने आया तो हम अंदर हुए और दरवाजा बंद करा खिड़की का। सुनीता पाटोदी। उसमें बात करते मैं काम कर रहा था।